वेल दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी मुझे जैसे भी सुन रहा है, मेरे सारे दोस्तों को मेरा सादर नमस्कार। कैसे हो मित्रों? एक नंबर झकास, फर्स्ट क्लास, टकाटक। मैं बता दूं, मैं भी एकदम मस्त हूं, जबरदस्त हूं। चलो मित्रों, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9। क्या बोल रहा है ये एग्जाम्पल नंबर 9? एग्जाम्पल नंबर 9 में हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, पेज नंबर 42, पेज नंबर 42, एक्सरसाइज 6.3.1। ठीक है, आज ऐसा कुछ हो जाना चाहिए कि ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज ही खत्म हो जानी चाहिए। 9, 10, 11, 12 सारे के सारे अगर खत्म हो जावे ना, तो बात बन जाए। आप जैसा कोई मेरे जिंदगी में आए तो बात बन जाए। चलो मित्रों, आगे देखते हैं क्या बोला हुआ है इसमें। क्वेश्चन में बोला हुआ है, फ्रॉम फॉलोइंग डेटा ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ टू रिग्रेशन लाइन। दो रिग्रेशन लाइन यानी एक्स ऑन वाई की लाइन भी हमें बनाने का है और वाई ऑन एक्स की लाइन भी हमें बनाने का है। चलो देख लेते हैं। मैं लिखता हूं, वी प्रिपेयर, वी प्रिपेयर फॉलोइंग टेबल, वी प्रिपेयर फॉलोइंग टेबल टू, वी प्रिपेयर फॉलोइंग टेबल फॉर कैलकुलेशन, वी प्रिपेयर फॉर फॉलोइंग टेबल फॉर कैलकुलेशन। तो एक्स वाई ये दो वैल्यूज तो दिए हुए हैं, तो इनको लिख लेते हैं। एक्स के वैल्यूज क्या है? अच्छा है, छोटे वैल्यूज है, 6, 2, 10, 4, 8। वाई के वैल्यूज है 9, 11, 5, 8, 7। बताओ कौन सा फार्मूला यूज करते? एक्स आई माइनस एक्स बार का फार्मूला यूज करते या वाई आई या एक्स आई वाई आई वाला फार्मूला यूज? पहले तो इसकी टोटल ले लेते हैं, जो भी है टोटल लिख देते हैं। 6, 2, 8, 8, 10, 18, 18 और 4, 22, 22 और 8, 30। ठीक है, ये 20, 5, 25, 25 और 8, 33, 33 और 7, 40। ये दोनों की टोटल आ गई। अब हम निकाल लेते हैं पर्पसफुली। नाउ एक्स बार इज इक्वल्स टू 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई, 1/5 इंटू समेशन ऑफ एक्स आई यानी 30, 6, 5, 30 यानी 6 आ गया है एक्स बार। वाई बार इज इक्वल्स टू 1/n इंटू समेशन ऑफ वाई आई, 1/5 इंटू 30, सॉरी 30 नहीं, 40 है, वाई 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 आई का समेशन 40 है, और ये 8, 5, 40। ठीक है, अब हमें क्या निकालने का है? पहले हम लोग लिख लेते हैं एक्स आई इंटू वाई आई, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन।
बिकॉज वैल्यूज छोटे हैं तो हम इसमें चेंज ऑफ ओरिजिन वाला फार्मूला भी अप्लाई नहीं कर रहे और एक्स आई माइनस एक्स बार वाला भी फार्मूला अप्लाई नहीं कर रहे। एक्स आई माइनस एक्स बार वाला कर सकते हैं बट चेंज ऑफ ओरिजिन वाला अप्लाई करने में कोई मतलब ही नहीं है। एक्स आई इंटू वाई आई 954 22 50 32 56। तो इसका टोटल आप ही मुझे बताओगे, गलती होनी नहीं चाहिए। 9 × 6 54 बराबर है 22 50 32 56 214 टोटल कितनी आई मित्रों 214 54 22 50 32 56 214 की टोटल आ गई। अब क्या निकालना है सर, हमें x on y और y on x दोनों की लाइन निकालने का है तो हम एक्स आई स्क्वायर भी निकाल लेते और y आई स्क्वायर भी निकाल लेते, है ना। तो एक्स आई स्क्वायर कितना आ जाएगा 36 4 116 64। ये आ गया एक्स आई स्क्वायर, वाई स्क्वायर तेरी तो 81 121 25 64 49। ये निकल गया वाई आई स्क्वायर। छत्तीस 4 तो इसकी टोटल आ जाएगी 512। एक बार फिर भी देख लेते अपन, 36 और 4 40 40 और 100 40 और 100 40 और 100। ये 512 तो टोटल नहीं आएगी, कुछ तो भी गड़बड़ी है इसमें, छोटी सी टोटल है इसकी। 40 और 100 140 140 प्लस 16 156 156 प्लस 64, यानी ये टोटल आ जाएगी 220। मैंने कुछ तो भी गड़बड़ी किया था, 6 का स्क्वायर 36 2 का स्क्वायर 4 10 का 100 4 का 16 8 का 64, एकदम सही है और इसकी टोटल 220। वाई आई स्क्वायर, वाई आई स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर 81, 11 का स्क्वायर 121, 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, यानी इसकी टोटल आ जाएगी 340। ये सारे कैलकुलेशन में ही हमारी कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाती है और फिर वांदो थई गयो, उसके बाद में ही सारे वैल्यूज में चेंजेस आ जाते हैं। मित्रों मेरे प्यारे क्लासवासियों, तो ये वैल्यूज तो हम लोगों ने निकाल लिया, 81 121 25 64 49, तो ये सारे वैल्यूज निकाल लिया। अब हम आगे बढ़ सकते हैं, एक्स बार निकाल लिया, वाई बार निकाल लिया। अब मैं इसको भी नहीं है क्या, थोड़ा राइट में ले लेता हूं, मिड में ले लेता हूं, ताकि वैल्यूज तो सब अब निकाल लिया है बराबर, ठीक है। अब आ जाते हैं, अब हमें निकालने का है एक्स बी एक्स वाई भी निकालने का है, बी वाई एक्स भी निकालने का है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे लगेगा यहां पे अब कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई,
Now, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई क्या है फार्मूला कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का फार्मूला है 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई माइनस एक्स बार वाई बार निकाल लो पहले कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई 1/5 पांच ही ऑब्जर्वेशन है ना तीन और दो पांच इंटू समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई यानी 214 माइनस एक्स बार 6 वाई बार 8 अल्टीमेटली 214 डिवाइडेड बाय 5 यानी 42.8 माइनस 48 42.8 माइनस 48 यानी ये कितना आ रहा है माइनस 5.2 ये वैल्यू आ रही है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई की। अब निकाल लेते हैं सिग्मा एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या रहेगा हमारा सिग्मा एक्स स्क्वायर का 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर मंजे 1/5 इंटू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर यानी 220 माइनस एक्स बार यानी 30 एक्स बार यानी 6 और एक्स बार का होल स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर यानी कि 36। अब 220 डिवाइडेड बाय 5 यानी कितना है 44 माइनस 36 44 में से 36 गए तो आंसर कितना आ जाएगा 8 ये आ गया सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब हमें काम पड़ने वाला है सिग्मा वाई स्क्वायर का भी हां या ना हां सर सिग्मा वाई स्क्वायर क्या रहेगा सिग्मा वाई स्क्वायर का फार्मूला आप ही मुझे बताओगे सिग्मा वाई स्क्वायर का फार्मूला सर सिंपल है ना सर 1/n बोलो 1/n इंटू समेशन ऑफ वाई आई स्क्वायर माइनस वाई बार का होल स्क्वायर मंजे वाघाचे पंजे कुत्र्याचे कान उंटाची मान समेशन ऑफ वाई आई स्क्वायर बोलो ना अभी तो निकाला था 340 ना सर कितना समझाना पड़ता सर आपको ये y बार यानी 8 y बार का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 340 को 5 से डिवाइड करो सर 68 में से 64 गया मंजे 4 ओनली। अब सारा बेस बन के तैयार है बस प्रॉब्लम सॉल्व करने की देरी है। नाउ बी एक्स वाई इज इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा वाई का होल स्क्वायर ठीक है इसी का मतलब ऐसा है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अभी निकाला था माइनस 5.2 अपॉन सिग्मा वाई का होल स्क्वायर भी अभी निकाला था कितना 4 ये कितना आंसर आ रहा है ये आएगा 5.2 डिवाइडेड बाय 4 यानी माइनस 1.3 सही है गलत है एकदम सही है कोई दिक्कत नहीं है एकदम सही है कोई दिक्कत नहीं है वाह। अब भी एक्स वाई की बारी तो खत्म हो गई बी वाई एक्स की बारी कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर आप ही बताइए कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई कितना है माइनस 5.2 वेरी सिंपल सर माइनस 5.2
होल डिवाइडेड बाय, अब सिग्मा एक्स स्क्वायर 8 था मेरे ख्याल से, तुम थोड़ी बोलोगे मेरे को ही सब देख के लिखना पड़ेगा, तुमको कोई दया माया थोड़ी है मेरे ऊपर, सब एक नंबर के लुच्चे लफंगे हैं, सबके सब बदमाश है, पूरे क्लास में अच्छा बंदा अगर कोई है तो वो सिर्फ एक ही है। ये आ रहा है -0.65 बी वाई एक्स, ये आ रहा है -0.65, सही है क्या? देखो तुम खुद भी कैलकुलेशन करो और मुझे बताओ ये सही है कि गलत है। ये आ गया बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों की वैल्यू आ गई। अब हमें बोला था, हमें बी एक्स वाई और बी वाई एक्स भी नहीं बोला था, हमें बोला था ऑप्टेन इक्वेशन ऑफ टू रिग्रेशन लाइन। नाउ रिग्रेशन लाइन, नाउ रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई, एक्स ऑन वाई की रिग्रेशन लाइन क्या रहेगी? एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू, दूसरे कलर की पेन से लिख लेता हूं, एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार, ठीक है। देयरफोर एक्स माइनस एक्स बार हमने निकाला था, बताओ कितना था, 6 इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई माइनस 1.3 इंटू वाई माइनस वाई बार, यानी मेरे ख्याल से 8 है, फिर भी चेक कर लो, गलती होनी नहीं चाहिए, वाई बार यानी 8 बराबर है। अब इसको सॉल्व करो, पहले सॉल्व करो फिर आंसर निकाल लो। तो ये माइनस 1.3 वाई माइनस माइनस प्लस 1.3 इंटू 8 डायरेक्टली लिख देता हूं, 1.3 इंटू 8 यानी कितना, 10.4, और माइनस 6 उधर गया तो प्लस 6, बस अब फाइनल आंसर ही चाह रहा है। देयरफोर x इज इक्वल्स टू माइनस 1.3 वाई प्लस 16.4, ये है x की लाइन, x ऑन y की लाइन। ये एक किस्सा हो गया खत्म, और एक किस्सा बाकी है, ठीक है। अगेन रिग्रेशन लाइन ऑफ, अगेन रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, y ऑन x की रिग्रेशन लाइन भी निकालने के लिए बोला है, बताओ क्या रहेगी? सर सिंपल है ना सर, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। देयरफोर y माइनस वाई बार यानी के y माइनस 8 इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स माइनस 0.65 माइनस 0.65 इंटू, तेरी तो बराबर नहीं आया, इंटू एक्स माइनस एक्स बार यानी मेरे ख्याल से कितना था रे, 6। ये निकाल लिया दूसरा इक्वेशन, यानी y इज इक्वल्स टू माइनस 0.65 एक्स माइनस माइनस प्लस 0.65 इंटू 6 कितना, 3.9 प्लस 8। देयरफोर y इज इक्वल्स टू माइनस 0.65 एक्स प्लस 11.9, ठीक है। ये है हमारा दूसरा इक्वेशन, समझ में आ रहा है क्या मित्रों, मेरे प्यारे क्लासवासियों, ठीक है। ये है हमारा दूसरा इक्वेशन। अब
आगे बढ़ते हैं, अब ये एक बात तो डिस्कस कर लिया है हमने, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये एक बात यानी एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आज हम कोशिश करने वाले हैं कि आज हमें ये एक्सरसाइज ही खत्म करने का है, ऐसी कोशिश करेंगे। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, लेकिन उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक्सरसाइज 6.1 सही है साहब, ऐसी बात है क्या, बात बोली हुई थी, अंगार बात है। चलो एक्सरसाइज 6.1 का किस्सा हम खत्म कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये 10वां क्वेश्चन, ये 10वां क्वेश्चन, ये 10th नंबर का क्वेश्चन करते हैं। एक अच्छी बात है इसमें, इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, छोटा सा प्रॉब्लम है। इनफैक्ट ऐसा प्रॉब्लम तो हम चाहते हैं, कंसेप्ट क्लियर होने के लिए इस तरह का प्रॉब्लम बहुत अच्छा रहता। क्या है प्रॉब्लम? फाइंड रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स, एक ही लाइन बोला हुआ है, इसमें तो बिल्कुल भी झंझट नहीं है। 10 मिनट का प्रॉब्लम है, 10वां प्रॉब्लम, 10 मिनट का, सिर्फ 10 मिनट में खत्म भी हो जाएगा ये। फॉर द फॉलोइंग डाटा फाइंड रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स, वाई ऑन एक्स की लाइन ढूंढने का है इसमें। वाई ऑन एक्स की लाइन ढूंढने का है। वी प्रिपेयर फॉलोइंग टेबल, वी प्रिपेयर फॉलोइंग टेबल फॉर कैलकुलेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन। सबसे पहले मैं लिख देता हूं एक्स, बताओ रे 1, 2, 3, यह ऐसा क्वेश्चन चाहिए, फटा यानी बहुत ही फटाफट हो जाएगा। वाई टू, अरे तेरी तो वाई क्या है, 2, 1, 6, ये है वाई। एक्स भी हो गया, वाई भी हो गया, एक्स और वाई। अब हमें क्या निकालने का है, हमें डेटा वाई ऑन एक्स की लाइन निकालने का है। वाई ऑन एक्स यानी क्या रहता है, वाई माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, ये उसका इक्वेशन है। तो हमें निकालने का है बी वाई एक्स, बी वाई एक्स यानी कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, यानी हमको एक्स आई स्क्वायर लगेगा। समझ में आ रहा है कि इतना सब माथा पच्ची क्या क्यों किया मुझे, मैंने ये कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई यानी एक्स आई इंटू वाई आई लगेगा, और सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी मुझे क्या लगेगा, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर लगेगा। तो ये इसके लिए ये मुझे बराबर पता करना था, इसके लिए मैंने ऐसा फार्मूला लिख के देखा। तो अब मेरे दिमाग में पिक्चर क्लियर है, मुझे जरूरत पड़ेगी एक्स आई वाई आई की, मुझे जरूरत पड़ेगी एक्स आई स्क्वायर की। सब निकाल देता हूं यहां पे, एक्स आई इंटू आई 2 × 1 यानी 2, 2 × 1 यानी 2, 3 × 2, 6 यानी 18। ठीक है, अब इसका टोटल 18 और 2, 20, 20 और 2, 22 एक्स आई स्क्वायर 1, 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1, 10 और 4, 14 एक्स आई स्क्वायर का किस्सा भी हो गया खत्म, गलती होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या निकालने का है, नाउ यहीं पे बाजू में निकालता हूं मैं, नाउ एक्स बार इज इक्वल टू 1 / n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई।
मंजे मंजे एक वन बाय थ्री इंटू समेशन ऑफ एक्स आई तो नहीं निकाला सर आपने, कैसी बात करते हो सर आप, अब आप ही बताओ इसका टोटल कितना आ जाएगा, तीन और तीन छ, छ और एक सात, सात और दो नौ, अब ठीक है तो ये आ जाएगा सिक्स, अल्टीमेटली ये आ जाएगा टू, एक्स बार कितना आ जाएगा टू, अब वाई बार की बारी, वाई बार यानि वन बाय एन इंटू समेशन ऑफ वाई आई, देखो देखो सारी चीजें देखो एकदम बराबर देखो, वाई आई यानि नाइन, अल्टीमेटली ये कितना आ रहा है थ्री, सही है गलत है, एकदम सही है ठीक है, x बार टू y बार थ्री, ये सारी की सारी बातें हम लोगों ने खत्म कर लिया। अब मुझे आप लोग बताइए, यू जस्ट टेल मी x बार और y बार, x बार एंड y बार। चलो मित्रों आगे बढ़ते हैं, ये x बार और y बार तो हम लोगों ने निकाल लिया, अबे अब हमें क्या निकालने का है, हमें बोला हुआ था दसवां क्वेश्चन है ना ये, हमें बोला हुआ था रिग्रेशन लाइन काय की y ऑन x की, ठीक है y ऑन x के रिग्रेशन के लाइन के लिए हमें निकालना पड़ेगा कोवेरियंस और सिग्मा x स्क्वायर, तो हम निकालते हैं। नाउ कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई यानि वन बाय एन इंटू समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई माइनस एक्स बार इंटू वाई बार, मंजे 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 वगाचे पंजे एन एन यानि ट्रे, समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई यानि ट्वेंटी टू 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 ट्वेंटी टू माइनस एक्स बार कितना आ गया टू, वाई बार कितना आ गया थ्री, तो ट्वेंटी टू बाय थ्री माइनस सिक्स, इसको सॉल्व करो तो ये कितना आ जाएगा, तुम्हें मला सांगा, ये 22 माइनस 18 अपॉन 3 अल्टीमेटली ये आ जाएगा 4 बाय 3, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अल्टीमेटली हमारा कितना आ जाएगा 4 बाय 3, बस दिमाग में ध्यान रखो, क्या बोला मैंने, दिमाग में ध्यान रखो काम में आएगा आगे, ये निकाल लिया हमने कोवेरियंस। अब क्या निकालने का है सर, आप ही ने तो बोला था y on x की लाइन है तो सिग्मा x स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो निकालो फिर, ठीक है निकाल देते हैं सिग्मा x स्क्वायर, फार्मूला बताओ रे आप ही, 1 बाय n इंटू समेशन ऑफ x i स्क्वायर माइनस x बार का होल स्क्वायर, बताते कोई नहीं, सब मेरे को ही लिखना पड़ता, मेरे को ही सॉल्व करना पड़ता, तुम मस्त तमाशा देखते, सब एक से बढ़ के एक है, लुच्चे लफंगे है सबके सब, 1 बाय एन यानी के 3, समेशन एक्स आई स्क्वायर यानी के 14 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, एक्स बार यानी 2, 2 का होल स्क्वायर यानी 14 बाय 3 माइनस 4, करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 14 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 3, अल्टीमेटली 2 बाय 3, ये आ गया हमारा सिग्मा एक्स स्क्वायर, ठीक है मित्रों ये सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया है हमारा, आगे डिस्कशन करते हैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर तो हम लोगों ने निकाल लिया, नाउ नाउ हमें क्या निकालना था, वाई ऑन एक्स की लाइन, y on x की लाइन यानी हमें निकालना था byx, byx का फार्मूला क्या है, कोवेरियंस ऑफ xy अपॉन
सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, यही था हमारा फार्मूला। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई आप ही मुझे बताएं क्या था, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई 4/3 और सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या निकला, सिग्मा एक्स स्क्वायर 2/3 मंजे ये तीन तीन कैंसल 4/2 यानी के 2। अल्टीमेटली बी वाई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2। समझ में आया क्या आपको बी वाई, अरे तेरी तो बहुत ही ज्यादा हो गया, ये इसको बराबर लिख देता हूं ना मैं। देयरफोर बी वाई एक्स इज इक्वल्स टू 2। ये अभी भी मैं उसको हाईलाइट ज्यादा नहीं करता हूं क्योंकि हमें ये भी निकालने के लिए नहीं बोला, हमें रिग्रेशन लाइन निकालने के लिए बोला था। अब निकालते हैं हम लोग रिग्रेशन लाइन। नाउ रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स क्या रहेगी, रिग्रेशन लाइन आप ही को बताने का है। y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, सही है गलत है, सही है सर। अब आप ही बताओ, यू जस्ट टेल मी y माइनस वाई बार, y माइनस वाई बार तो मैं यहां लिख लेता हूं, y जैसा का वैसा y बार हमने निकाला था 3 इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स यानि 2 एक्स माइनस एक्स बार यानि आ जाता है 2। अल्टीमेटली कौन सा मेटली, अल्टीमेटली वाई इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4 और ये माइनस 3 इक्वल टू साइन के उधर चले गया तो प्लस 3। y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1 ये है y का इक्वेशन। हमें क्या निकालने के लिए बोला था, y ऑन x का इक्वेशन निकालने के लिए बोला था और वो y ऑन x का इक्वेशन यही है। और कुछ बोला हुआ था क्या, मेरे ख्याल से और भी कुछ तो भी बोला था। तो अरे जगह जगह का इशू जा रहा है हमें, हम क्या करते अभी थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते इसमें, यहां मैं डाल दे रहा हूं आड़ी दंडी, यहां से मैं सिलेक्ट कर रहा हूं इसे, इससे उठा के डाल दे रहा हूं यहां पे, ठीक है। अब ये रिग्रेशन का हमने जो लिया इसको मैं ले ले रहा हूं यहां पे, यहां पे लिख लेता हूं, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे जाएगा तो चल जाएगा हमें। हां ये अब क्या, आखिरी में और एक चीज, मेरा ध्यान ही नहीं था इसमें, फाइंड मोस्ट लाइकली वैल्यू, कौन सी वैल्यू, मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ वाई When x is equals to 4, तो इसको लिख लेते हैं हम। Now, most likely value of y when x is equals to 4, तो अब लिख लेते हैं यहां पे। Therefore y ये अलग पेन से लिखते, देयरफोर y इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू 4 माइनस 1, 4 इंटू 2 8 माइनस 1 यानी अल्टीमेटली कितना 7, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। हेच आमचो उत्तर, मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ y कितना हो जाएगा 7। किस्सा खत्म। मेरे प्यारे क्लासवासियों, तो
तो ये हमारी बात हो गई है खत्म। अब आगे आ जाते हैं मित्रों, मेरे प्यारे क्लासवासियों, चलो मित्रों आगे बढ़ते हैं। तो ये एक बात तो खत्म हो गई है, अब आगे की बात ऐसी करते हैं कि अब आगे की बात एग्जाम्पल नंबर 11। अब दो क्वेश्चन तो हमने खत्म कर दिए, दो क्वेश्चन खत्म हो गए और दो क्वेश्चन बाकी है। ये बचे हुए दो क्वेश्चन भी हम जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी खत्म कर देते हैं। आज का लेक्चर थोड़ा बहुत बढ़ भी गया तो क्या है, कोशिश करते हैं कि दोनों क्वेश्चन हो जावे, एक तो पक्का होगा उसमें तो कोई दो मत है ही नहीं। लेकिन अगर दोनों क्वेश्चन हो गए तो हमारा बेनिफिट यह है कि पूरी की पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है, बात बन जाती है। आप जैसा कोई मेरे जिंदगी में आए तो बात बन जाए, बात बन जाए, तो ये बात हमारी खत्म हो जाएगी। दसवें क्वेश्चन की बात खत्म हो जाएगी, ग्यारहवें क्वेश्चन की बात शुरू हो जाएगी। चलो फटाफट आगे बढ़ते, तुम लोग बहुत टाइम पास करते, थोड़ा सा सीरियसनेस सीखा करो तुम लोग मेरे से, कितना सीरियस रहता हूं मैं। और आप देखो एक एग्जाम्पल, ठीक है ना, ज्यादा तो नहीं बोल दिया ना मैंने, सही है ना एकदम। चलो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं मित्रों, एग्जाम्पल नंबर 11, पेज नंबर 42, एक्सरसाइज 3.1। सही है, गलत है, सही है, सॉरी एकदम सही है। बोला है 11th क्वेश्चन में, फ्रॉम फॉलोइंग डेटा फाइंड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। ये इसमें भी y ऑन x बोला हुआ है, y ऑन x यानी bx यानी आपको क्या निकालना पड़ेगा, सिग्मा x स्क्वायर यानी आपको क्या निकालना पड़ेगा, xi स्क्वायर। ऐसा दिमाग में पहले से सोच लेने का है, बाकी चीजें तो सेम ही रहती है। तो चलो यहां लिख लेते हैं, वी प्रिपेयर फॉलोइंग टेबल, वी प्रिपेयर फॉलोइंग टेबल फॉर कैलकुलेशन, वी प्रिपेयर फॉलोइंग टेबल फॉर कैलकुलेशन एक्स आई और वाई आई। एक्स आई क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बस ज्यादा नहीं, बस सर। वाई आई क्या है बोलो, 2, 4, 7, 6, 5, 6। अब कोवेरियंस निकालना पड़ता तो उसमें एक्स आई वाई आई तो लगता ही, और क्योंकि हमें y on x निकालने के लिए बोला हुआ है तो सिग्मा x स्क्वायर लगेगा, तो उसमें एक्स आई स्क्वायर हम निकालेंगे। वैल्यूज छोटे हैं तो चेंज ऑफ ओरिजिन का कंसेप्ट यूज करने की जरूरत नहीं, एक्स आई माइनस एक्स बार का फार्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। आपको ध्यान में तो आ जाता है ना, जब मैं बोल रहा हूं एक्स आई माइनस एक्स बार तो इसका मतलब मैं कौन सा फार्मूला बोल रहा हूं, ये फार्मूला, ये कोवेरियंस का ये एक फार्मूला रहता ना, 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार, ये वाला फार्मूला जो रहता है ना, ये बात फार्मूले की बात कर रहा हूं मैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये फार्मूले का डिस्कशन मैं जब बोलते रहता हूं एक्स आई माइनस एक्स बार, तो इसका मतलब ये वाला फार्मूला, ठीक है। तो इसकी भी जरूरत नहीं है बिकॉज वैल्यूज छोटे हैं,
वैल्यूज छोटे रहे तो हमारा कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज जो कॉन्सेप्ट हमारा बहुत अच्छे से क्लियर है, गलती होने के चांसेस सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन में होते हैं। इसी के लिए तो मैं चिल्ला चिल्ला के बोलते रहता हूं कि 30 तक के टेबल 12th के एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। इवन आगे भी क्या रहता है, छोटे मोटे कैलकुलेशन हम डायरेक्टली कर सकते हैं। एक तो जैसे ही आप सीए के अंदर एंटर हो जाएंगे, फाउंडेशन इंटर फाइनल कैलकुलेटर परमिटेड रहता, तो हम कैलकुलेटर की बहुत ज्यादा आदत हो जाती है, ठीक है। तो छोटे मोटे कैलकुलेशन के लिए भी हम कैलकुलेटर यूज करते हैं। तो अगर अभी से आपको टेबल की बहुत ज्यादा आदत पड़ गई तो फिर छोटे मोटे कैलकुलेशन में आपका समय बचेगा, आप कैलकुलेटर यूज नहीं करोगे, खुद कर लोगे और आप कॉन्फिडेंट भी रहोगे कि नहीं मैंने जो कैलकुलेशन किया वो सही है। चलो एक्स आए वाई आए, चलो मित्रों आगे बढ़ते हैं। 2 × 1 यानी 2, 8, 21, 24, 25, 36। मेरे प्यारे क्लासवासियों, ये सारी बात तो देख लिया, और इधर एक्साइ स्क्वायर यानी 4, 16, 49, 36। अरे गलत कर रहा मैं, वाई आई का निकाल लिया मैंने, एक्साइ का 1, 4, 9, 16, 25, 36। चलो मित्रों अब इसकी टोटल निकाल लेते हैं, एक्साइ वाई बराबर है तो ये आ जाएगा इसका, वैसे तो एक फार्मूला भी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर ऐड हो रहा है ना तो n × n-1/2, तो n × n-1 यानी के 5, n × n+1/2 है तो ये आ जाएगा 3 × 7, 21 आनी चाहिए इसकी टोटल, ये डायरेक्टली निकाला, आप टोटल ऐड करके देख लेते तो 2 × 1 = 3, 3 × 3 = 6, 6 × 4 = 10, 10 × 5 = 15, 15 × 6 = 21। तो इसका एक फार्मूला है, इसका फार्मूला पता है क्या है, 1 + 2 + 3 so on up to अगर n है तो इसकी एडिशन कैसे रहती है, n × n+1/2। तो यहां एडिशन काय की थी, 1 + 2 + 3 + and so on up to +6, तो 6 × 6+1 = 7/2, यानी 6/2 यानी कितना, 3 × 7 यानी कि कितना आंसर, 21। ऐसा हमने डायरेक्टली दिमाग में कर लिया था, ये कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, सिर्फ 1, 2, 3, 4 ऐसा कॉन्जिगेटिव नंबर चाहिए। खैर ये हमारा डिस्कशन करने का पार्ट नहीं है अभी, चलो इसकी टोटल कर लेते हैं, 4 और 2 6, 6 और 7 13, 13 और 6 19, 19 और 5 24, 24 और 6 30, 8 और 2 10, 10 + 21 + 24 + 36 116, 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1
सारी बातें हम लोगों ने कर लिया है। नाउ अब हमें, ये मैं बाकायदा आड़ी लाइन डाल देता हूं, नाउ अब हमें क्या निकालने का है, एक्स बार यानी 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई यानी 1/n, n यानी कितना 6 इंटू समेशन ऑफ एक्स आई 21। अल्टीमेटली आप ही बताओ कितना हो जाएगा ये, इसको रहने दो ऐसे ही 21/6, ठीक है,
या तीन से डिवाइड कर दो, सात्रिक 21 और ये 7/2 रहने दो ऐसा ही। अगेन y बार यानी 1/n इंटू समेशन ऑफ y i, 1/6 इंटू समेशन ऑफ y i यानी के 30, ये कितना आ गया साहब 35, यानी y बार आ गया हमारा 5, x बार भी आ गया y बार भी आ गया। नाउ कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई यानी कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई यानी 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई माइनस एक्स बार वाई बार, ठीक है। अब 1/n n यानी 6, एक्स आई वाई आई यानी 116 समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई यानी 116 इंटू एक्स बार कितना आ गया था हमारा 7/2 और वाई बार कितना आ गया था 5। चलो सॉल्व करते हैं, 116 को 2 से डिवाइड करो तो 116 डिवाइडेड बाय 2 यानी 58 और 6 से 2 को डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 3 माइनस 735 डिवाइडेड बाय 2, करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 58 × 2 116, 35 × 3 105 डिवाइडेड बाय 3 दोनी 6, तो 116 माइनस 105 यानी कितना 11 डिवाइडेड बाय 6, 116 माइनस 105 डिवाइडेड बाय 6 यानी 11/6। ये हो गया किस्सा खत्म, 11/6 ये आ गया हमारा कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, ठीक है। रहने दो इसको ऐसा ही रहने दो, अब क्या निकालने का है बोलो ना, अब हमें निकालने का है, हमें क्या निकालना था ये क्वेश्चन ही देखना पड़ेगा, क्वेश्चन में वाई ऑन एक्स निकालना था, वाई ऑन एक्स निकालना था यानी हमें निकालना था अब सिग्मा एक्स स्क्वायर। बोलो फार्मूला लवकर लवकर बोलो, 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, 1/n n यानी 6 इंटू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, एक मिनट पहले हमें निकाला था समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर यानी 91, ठीक है। तो इसको रहने दो 91 डिवाइडेड बाय 6 ऐसा ही रहने दो। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नाउ बी वाई एक्स चाहिए ना, हमें बी वाई एक्स यानी कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अभी हमने निकाला, कितना निकाला हमने 11/6 और सिग्मा एक्स स्क्वायर हमने कितना निकाला 91/6। अल्टीमेटली बी वाई एक्स कितना आ गया 11/91। अल्टीमेटली 11 कुछ तो भी गड़बड़ी लग रही है मुझे, सिग्मा एक्स स्क्वायर कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई तो सही है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का फार्मूला हमने 1/n ये बराबर लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर 1/n इंटू, अरे ये पूरा फार्मूला लिखा ही नहीं ना, 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर यानी माइनस एक्स बार कितना था हमारा 7/2, 7/2 का होल स्क्वायर यानी ये आ जाएगा 49/4। अब इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा
करो 91 into 4 यानी 364 माइनस 49 into 6 यानी 294 डिवाइडेड बाय 24 294 माइनस हो जाएगा 364 में से तो ये कितना आ जाएगा 70 by 24 यानी 35 by 12 ये कितना आ रहा है 35 by 12 ठीक है। और कुछ डिवाइड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ठीक है। तो ये सिग्मा एक्स स्क्वायर हमने ये यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, ये दोनों मिटा देता हूँ ना, ये लिखना पड़ेगा 35 by 12 यानी 11 by 6 into 12 by 35 ये कितना आ जाएगा साइन दोनी 12 ये आ जाएगा साइन दोनी 12 अल्टीमेटली ये कैलकुलेशन हो जाएगा 22 by 35 ठीक है। ये आ गई हमारी बी वाई एक्स की वैल्यू, देयर फोर बी वाई एक्स इज इक्वल टू ऐसे ही रहने दू या वैल्यू निकाल लू, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, बाद में करेंगे इसका कैलकुलेशन, अभी ऐसे ही रहने दो बी वाई एक्स। नाउ हमें कुछ एस्टिमेशन वगैरह बोला है ना, हाँ बोला हुआ है ना। नाउ नाउ एस्टिमेशन ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 10 एस्टिमेशन ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 10 तो क्या है हमारी लाइन, क्या है हमारी लाइन है y माइनस y बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार ठीक है। y माइनस y बार बोलो रे कितना है y बार 5 इज इक्वल टू बी वाई एक्स की वैल्यू अभी निकाला 22 by 35 इंटू एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू बोलो रे 7 by 2 बस इसको सॉल्व कर लिया तो लाइफ झिंगा लाला। अब हो जाएगा, अब कोई बड़ी बात नहीं है, फटाफट कर लेंगे हम लोग सब। y माइनस 5 इज इक्वल टू 22 by 35 इंटू एक्स माइनस 22 by 35 इंटू 7 by 2 ठीक है। देयरफोर y इज इक्वल टू, अब ये 22 by 35 यहां x का सॉल्व कर लो, 22 divided by 35 यानी 0.6285 तो 86 करता हूं मैं राउंड ऑफ करके, ये चार डिजिट तक रख रहा हूं मैं, काफी बार यहां पे तीन डिजिट दो डिजिट तक ही रखते रहते हैं, मैं चार डिजिट रख रहा हूं लेकिन ठीक है। माइनस एक्चुअली कैसा है टेक्स्ट बुक में बी वाई एक्स बी एक्स वाई ये तो जनरली दो ही डिजिट रखते हैं और बाकी आंसर चार डिजिट रखते हैं, कभी चार डिजिट कभी दो डिजिट, तो करके हम यूनिफॉर्मिटी के लिए हम चार डिजिट रख रहे हैं। ये आ जाएगा 11 और ये आ जाएगा 5 देखो ना यहां सॉल्व कर लेते, ये कितना आ जाएगा 11 ये कितना आ जाएगा 5 अब 11 by 5 की वैल्यू आप ही निकाल लो 11 divided by 5 यानी ये कितना आ जाएगा 2.2 ठीक है इंटू एक्स लिखना भूल गया मैं और ये माइनस 5 इधर जाएगा तो प्लस 5 देयरफॉर वाई इज इक्वल टू 0.6286x ये एस्टिमेशन नहीं हो गया ये तो क्या हो गया रिग्रेशन इक्वेशन हो गया। नाउ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x ये रिग्रेशन इक्वेशन ही बना अभी तक, अब इस्टीमेशन करेंगे इसके बाद में इंटू x ये 5 minus 2.2 तो ये आ गया है प्लस 2.8 ये आ गया हमारा पूरी तरह से रिग्रेशन इक्वेशन ठीक है। अब करते हैं इस्टीमेशन,
नाउ अब एस्टिमेशन करेंगे, एस्टिमेशन ऑफ, एस्टिमेशन काहे का एस्टिमेशन करेंगे, वाई ऑन एक्स का एस्टिमेशन, एस्टिमेशन ऑफ वाई व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू, व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 10, बराबर है ना, एक्स की वैल्यू 10 ही है ना, हां सर 10 ही है, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 0.6286 इंटू 10 प्लस 2.8, यानी ये कितना आ गया 9.086। y की वैल्यू कितनी हो गई, y का एस्टिमेशन हमको बोला था तो वो 9.086, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है आपके टेक्स्ट बुक के आंसर के अंदर, वैल्यू अलग रह सकती है, टेक्स्ट बुक के आंसर के अंदर वैल्यू अलग रह सकती है, सही वैल्यू यही है, ठीक है, टेक्स्ट बुक में कहीं कहीं गलतियां है तो सही वैल्यू यही है जो हमने निकाली है, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया है अभी, 11th, एक आखिरी का 12th क्वेश्चन बाकी है। अब आप मेरे नाम से चिल्लाओगे आई नो, लेकिन अब क्या है, लगे हाथ एक 15-20 मिनट और कंटिन्यू करके किस्से को पूरा खत्म ही कर देते ना, ये एक्सरसाइज पूरी खत्म हो जाती है, ऐसी बात है, ये 12वें नंबर का भी आज धुन का ही देते हैं, पूरा का पूरा खत्म कर ही देते हैं। चलो मित्रों आ जाए 12th नंबर, इतना जबरदस्त माहौल बना है तो 12वें नंबर का भी किस्सा खत्म कर ही देते हैं। चलो मेरे प्यारे क्लासवासियों, एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12 क्या बोल रहा है, पेज नंबर 42, एक्सरसाइज 6.1। सर कितना लंबा खींचना पड़ रहा ना सर, चलो देखते हैं अब एग्जाम्पल नंबर 12 की बारी। अरे बाप रे, 12 में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, 12 इतना आसान नहीं है। एक काम करते हैं, 12th वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर कर लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में 12th क्वेश्चन भी करेंगे और प्रॉपर्टीज भी देख लेंगे, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ डेरिवेशंस है, तो इन सबको हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तब तक के लिए चाचा बाय बाय, सी यू, ठीक है मित्रों, थैंक यू वेरी मच।